सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सेस। अगर आपको प्लेन्स समझ आ गए हैं तो एक्सेस को समझना बहुत ही इजी है, और अगर आपको प्लेन समझ नहीं आए तो आप प्लेन्स वाली वीडियो देखें ताकि आपको पहले प्लेन समझ आ जाए। अगर आपको क्लियर है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सिस क्या है? इज एन इमेजिनरी लाइन एट राइट एंगल टू द प्लेन। अगर आपको पता है कि प्लेन्स कौन कौन से थे और उन्होंने किस तरह बॉडी को डिवाइड किया हुआ था, तो उन्हीं प्लेन्स में से अगर एक लाइन गुजरेगी, इमेजिनरी लाइन, जो कि उनके राइट एंगल होगी, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सिस, राइट? एंड एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन एट राइट एंगल टू द प्लेन, ठीक है। और प्ले एक्सिस वो है जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है या स्पिन करती है, ठीक है। तो जो आपकी एक्सिस होती हैं वो तीन होती हैं, फ्रंटल एक्सिस, सेजिटल एक्सिस एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। आपको पहले पता है ऑलरेडी कि सेजिटल प्लेन बॉडी को डिवाइड करता है दो इक्वल हाफ्स में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। क्लियर है? ये ऑलरेडी आपको पता है। अब जब एक्सिस की बात करेंगे तो सेजिटल प्लेन में फ्रंटल एक्सिस होती है, और फ्रंटल एक्सिस को हम कहते हैं मीडियो लेटरल एक्सिस। मीडियो लेटरल एक्सिस मीन्स कि एक लाइन गुजरेगी मीडियो लेटरली। कंसेप्ट है आपको मीडियल और लेटरल का भी, ये एक इमेजिनरी लाइन गुजरी है मीडियो लेटरली, ये देखिए, ठीक है। और जो प्लेन है वो सेजिटल एक्सिस, सेजिटल प्लेन है जिसने आपकी बॉडी को डिवाइड किया टू इक्वल हाफ्स में, तो ये प्लेन है और ये एक इमेजिनरी लाइन गुजर रही है, दैट इज फ्रंटल एक्सिस। और हमने क्या पढ़ा था एक्सिस में, कि एक्सिस वो होती है जो राइट एंगल टू द प्लेन गुजरती है, तो ये आपका प्लेन था और एक इमेजिनरी लाइन गुजरी है मीडियो लैटरली, तो ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इधर से देखिए 90 डिग्री का बनेगा, ये मैंने खुद लाइन ड्रॉ की हुई है आपको समझाने के लिए, कि ये देखें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक लाइन गुजरी है मीडियल, मीडियो लैटरली नहीं, आपकी बॉडी के अंदर से गुजरी है, तो इसने 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। अगर ये एरो मैं इस तरफ लेके जाऊं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ। अगर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूं यहाँ, तो फिर एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ ड्रॉ कर दूं सीधी, फिर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये जो है इसे बोलते हैं फ्रंटल एक्सिस, जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करेगी, तो सेक्चुअल प्लेन में आती है फ्रंटल एक्सिस। आई होप इट क्लियर्स। अगेन दिस इज द सेजिटल प्लेन जो बॉडी को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल हाफ्स में, और जो एक्सिस है बेसिकली एक मीडियो लैटरल एक लाइन है इमेजिनरी, जो आपकी बॉडी से गुजरी है मीडियल साइड से, लैटरल पूरी गुजर रही है, ठीक है, मीडियो लैटरली, ठीक है। अब ये आपका प्लेन था और ये लाइन गुजरी, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नीचे देखेंगे तो भी 90 डिग्री का, तो ये आपकी फ्रंटल एक्सिस है। नेक्स्ट दूसरी है सेजिटल एक्सिस। सेजिटल एक्सिस क्या थी जी? पहले आपको पता होना चाहिए फ्रंटल प्लेन में होगी सेजिटल एक्सिस। फ्रंटल प्लेन बॉडी को डिवाइड कर रहा था फ्रंट एंड बैक में, ऐसे ही है, ये फ्रंट है और ये है बैक। अब एक लाइन गुजरी इमेजिनरी इंटीरियर पोस्टीरियर, ये दरमियान से गुजर रही है, ये भी आगे से इंटीरियर पोस्टीरियर या पोस्टीरियर इंटीरियर, यानी ये लाइन यूं गुजर रही है, ठीक है, दरमियान से, तो देखें ये 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ से, ये 90 डिग्री का एंगल बना यहाँ से, ये 90 डिग्री का एंगल बना यहाँ से, राइट? तो ये है सेजिटल एक्सिस, एंटीरो पोस्टीरियर लाइन। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल एक्सिस। आपका ट्रांसवर्स प्लेन था, ये ट्रांसवर्स प्लेन था जो कि आपकी बॉडी को डिवाइड कर रहा था अपर हाफ एंड लोअर हाफ में, ठीक है। अब जो आपकी ट्रांसवर्स प्लेन में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, ये दरमियान से गुजर जाएगी एक लाइन, यानी अगर ये प्लेन है यहाँ से एक लाइन गुजरेगी, एक लाइन गुजरेगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, इधर 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 इधर, तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस।
And this is all for today. If you have any question, you can ask. Thank you.